तो क्या गाइज आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं, तो आज के बाद आप गूगल मैप को यूज़ करना बंद कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लाया एक बढ़िया सी बहुत बढ़िया सी ऐप गूगल मैप की सिमिलर, जो कि गूगल मैप को टक्कर देने वाली है और लॉन्च भी हो चुकी है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो कौन सी ऐप की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं एक इंडियन ऐप है जो कि मेपल मैप माई इंडिया करके प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको उसके चार फीचर इससे बताने वाला हूँ जो कि उसको गूगल मैप से अलग दिखाने वाले, यानी कि गूगल मैप से वो 5 गुना बेहतर है, तो उसके मैं फीचर यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इंडियन हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू जरूर से बताएं कि हमारा भाई इंडिया का ऐप कैसा बना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते फीचर्स को जानने के लिए। तो गाइज एप्लीकेशन का नाम है मेपल मैप माई इंडिया, तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इंस्टॉल करके रखा है, आप भी उसे प्ले स्टोर से सबसे पहले इंस्टॉल कर लें और आप उसे ओपन कर लिए। और इसका इंटरफेस आप देखना चाहें तो गूगल मैप के जैसा ही है, कोई उसमें डिफ़िकल्टी वाला कुछ नहीं है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा अगर आपने गूगल मैप को यूज़ किया है। तो अब आपको मैं फीचर्स के बारे में बताऊँगा। तो फीचर्स नंबर वन, तो गाइज जब भी आप गूगल मैप यूज़ करते हैं तो आप अगर फ्लाईओवर के पास आप जाएंगे तो उसमें वहाँ पे कुछ आपको कन्फ्यूज हो जाएगी कि भाई ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो मेपल ने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। जब भी आप मेपल यूज़ करेंगे और वहाँ पे फ्लाईओवर आएगा तो फ्लाईओवर में आपको उसका पिक्चर दिखाएगी कि आपको ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है, तो उसको पिक्चर के थ्रू आपको पता चल जाएगी हमको फ्लाईओवर के ऊपर जाना है या फिर साइड से चले जाना है। तो और गाइस दूसरा फीचर है कि आप मेपल को यूज़ करते होंगे तो रोड की उसमें स्पीड लिमिट आपको दिखाई देगी, यानी कि उसकी रोड फॉर एग्जाम्पल रोड की स्पीड लिमिट 80 है तो आपका मेजर भी होगा कि आप 80 से ऊपर जाएंगे तो उसमें आपको लिखा देगा अलर्ट कि भाई 80 से ऊपर जा रही है, यानी कि स्पीड रोड की स्पीड लिमिट 80 है, 80 पे ही आपको चलाना होगा, वो भी आपको वहाँ पे अलर्ट कर देगा, तो उससे आपका चलान भी नहीं आएगा। बस का तीसरा फीचर है कि मेपल्स में आप पूरी जर्नी का फ्यूल कॉस्ट कितना आता है वो आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे शो करेगा, यानी कि आपका सीएनजी पेट्रोल डीजल जो भी होगा वो कितना उसमें कॉस्ट आएगा, यानी कि इन रुपीज़ में वो कैलकुलेट करके आपको दिखाएगा प्रॉपर तरीके से कि आपका फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली से मुंबई का जितना भी किलोमीटर होगा तो एवरेज निकल के उसकी कॉस्ट वहाँ पे दिखाई देगी। गाइस यहाँ पे चौथा फीचर है मेपल्स का, आपको कोई भी सिटी का यानी कि बड़े बड़े सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि आपको बड़े बड़े सिटी में जाएगी, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, ये सब जगह पे उसका एयर इंडेक्स दिखाई, यानी कि वहाँ पे कितना पॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो और गाइस ये फीचर अभी छोटे छोटे सिटी में नहीं आया है, इन फ्यूचर आ जाएगा, और अभी ये बड़े बड़े सिटी यानी कि अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, ऐसे ऐसे बड़े सिटी के आप लोकेशन पे सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा, छोटे सिटी में अभी नहीं आया है, इन फ्यूचर आ जाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया की ऐप है तो डेवलप धीरे धीरे होगा, हमें उससे सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि भाई हम इंडिया की ऐप को सपोर्ट करेंगे तो ही वो आगे बढ़ेगी। तो आई होप कि आप इंडिया की ऐप को सपोर्ट करेंगे। तो और फीचर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो गाइस यहाँ पे पांचवा फीचर बहुत ही बढ़िया है जिससे आप अपना टोल टैक्स बचा सकते हैं जर्नी के दौरान। तो टोल टैक्स बचाने के लिए आपको पहले जर्नी सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद वहाँ पे 2-3 रास्ते दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको टिक कर लेना है, यानी कि आप टोल बूथ को नहीं टिक करेंगे तो वहाँ पे दूसरा रास्ता दिखाएंगे जिससे आप टोल को अवॉइड कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं। ओके वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे इंडिया की ऐप है तो जरूर से डाउनलोड करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जरूर से उसे डाउनलोड करें और 5 स्टार रेटिंग दे दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।